माहिर का वो सच जो अब तक छिपाया गया वो सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला है। जी हाँ, माहिर असली नागराज है और उसकी याददाश्त नहीं गई है। बीच बीच में शो के ट्रैक को देखकर ऐसी खबरें आ रही थीं कि ये राज बस अब खुल ही जाएगा, लेकिन शो के मेकर्स ने इस बात को रिवील नहीं किया। अब तक इस बात को छुपाया जाता रहा, लेकिन खबर है कि नागिन 3 के खत्म होने से पहले शो का ये महा ट्विस्ट अब देखने को मिलेगा। तो अब कैसे होगा ये सब कुछ, आइए आपको इस बात की जानकारी अपने इस रिपोर्ट में देते हैं। शो में अब तक दिखाया गया है कि विश के जाने के बाद बेला और विक्रांत की जिंदगी बदल गई है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विश न सिर्फ सुमित्रा से बल्कि विक्रांत और बेला से भी बदला लेते हुए नजर आएगी। अब विश से कैसे बचेंगे विक्रांत और बेला, जहां ये बात देखने वाली रहेगी, तो वहीं इसी बीच माहिर के नागराज होने का राज भी बेला के होश उड़ा देगा। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक माहिर को कोएमनीसीमिया की बीमारी है। फिलहाल सबके सामने माहिर पागल जैसा बर्ताव कर रहा है, बेला भी उसे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रही है, लेकिन वो बीमारी का नाटक कर रहा है। ये राज खुलेगा, सुनने में आ रहा है कि ये भी बहुत जल्द ही होगा। वैसे आप देख रहे हैं कि अभी तक बेला सुमित्रा से माहिर और उसके परिवार को बचाने की कोशिश में है, लेकिन सोचिए जब माहिर की सच्चाई बेला के सामने आएगी तो उस पर क्या बीतेगी, क्या वो माहिर से मिले इस धोखे को सहन कर पाएगी। अब क्या होगा जब सुमित्रा के सामने भी माहिर के नागराज होने का सच आएगा, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, ये देखना तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आखिर क्या है मेकर्स की प्लानिंग, ये देखते हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर टीआरपी की बात करें तो शो टीआरपी की रेस में पिछले कई वीक से पीछे होता जा रहा है, इसलिए ऑडियंस को शो से जोड़े रखने के लिए मेकर्स इस ट्विस्ट को लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि बेला की जिंदगी में कौन सा तूफान आएगा जब माहिर के नागराज होने का राज खुलेगा।